Hello everyone, welcome back to my channel Twinkling Style and Fashion. So today you can see me in a different makeup look, as it was a challenge, or you can say it's a collaboration with my friend. मेरी एक friend है प्रेरणा, जो कि वो भी एक blogger है, वो भी बहुत सारा मस्त मस्त makeup का videos बनाती है. She is not in YouTube, but उसका Insta channel है, वहाँ Insta account है, वहाँ पे वो बहुत मस्त मस्त बनाती है सारा वीडियो IGTV में. अगर आप चाहे तो उसको वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं. मैं उसका इंस्टा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो वी बोथ हैव चैलेंज्ड ईच अदर टू क्रिएट ए मेकअप लुक जो कि दोनों का सेम ही रहेगा. एंड हम दोनों के पास जो भी सारा मेकअप प्रोडक्ट था सेम, हम उसी को यूज करके ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किए है. आई होप यू ऑल विल लाइक इट. सो आई एम गोना शो यू द फुल ट्यूटोरियल ऑफ दिस मेकअप लुक, एंड इफ यू वांट टू सी हर मेकअप लुक देन जस्ट गो एंड वॉच IGTV. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द टोनर. टोनर के लिए मैं आल्प्स गुडनेस का रोज टोनर ली हूँ. पूरा अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर दी हूँ. अब इसको थोड़ा सूखने दे दूंगी मैं अपने फेस पे. देन आई एम यूजिंग द प्राइमर. प्राइमर के लिए मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. थोड़ा सा प्राइमर लेके मैं अपने टी जोन पे अप्लाई कर दूंगी और पूरे फेस में थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी. देन प्राइमर के बाद अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं पर्पल का रिजुविनेटिंग सेरम यूज़ कर रही हूँ. अपने फेस पे उसको डाल के अच्छे से मैं उसको मसाज कर दी. ओके सो देन आई एम यूजिंग आई शेडो. आई शेडो के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट ले रही हूँ. इसका जो ट्रांजिशन सेड है, मैं फर्स्ट उसको अप्लाई करूँगी अपने पूरे आईज पे, आई लीड पे पूरा अप्लाई करूँगी. यहाँ पे मैं आज सेलोटेप लगा के कर रही हूँ बिकॉज उससे एक अच्छा वाला शेप मिलता है. सो आज मैं शायद फर्स्ट टाइम के लिए पहले आई मेकअप करी हूँ, फिर जाके फेस मेकअप करूँगी. नहीं तो मैं हमेशा फेस मेकअप करने के बाद ही आई मेकअप करती हूँ. मैं थोड़ा डार्कर शेड ले रही हूँ, वही ट्रांजिशन सेड का. मेरे आईज़ के आउटर कॉर्नर पे मैं उसको अप्लाई करके थोड़ा ब्लेंड करूँगी इनर कॉर्नर को लाने तक अच्छे से. एंड उसके बाद मैं आज यूज़ कर रही हूँ कंसीलर. अपने एक कट क्रीज बनाने के लिए कंसीलर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ. कंसीलर को पहले अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करके मैं थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी अपने हाथों से. यहाँ पे मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फिंगर से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ. उसको अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद अभी मैं एक जो शेड यूज़ करूँगी वो थोड़ा पीकॉक ग्रीन जैसा शेड है. यू कैन ऑल्सो से इट अ ब्लू शेड. मेरे को ये वाला शेड बहुत अच्छा लगा. हम दोनों बात करके ये वाला शेड ही यूज़ किए हैं. जो जैसा वो यूज़ किया है वैसा मैं ही यूज़ की हूँ. मैं प्लान करके हम दोनों ये वाला बना, मतलब वीडियो बना रहे हैं, एज़ यू ऑल नो दैट. सो इसको मैं, मतलब वही कंसीलर जहाँ पे अप्लाई की थी वहाँ पे थोड़ा अच्छे से अप्लाई कर दूँगी. थोड़ा डार्क अप्लाई करूँगी मैं, मतलब लाइटली नहीं अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद फिर से एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. जो आउटसाइड में जो मैं लगाई थी शेडो, आई शेडो और इसके दोनों को ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. कोई भी मेकअप आप कर लो, अगर आई मेकअप अच्छा ना हुआ ना तो सब बिगड़ जाता है. तो मैं आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके करती हूँ. तो अभी फिर से मैं उसको थोड़ा अच्छे से बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छे, मतलब लुक क्रिएट हो जाए मेरे आईज़ का. अभी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये वाला थोड़ा जो शिमरी सा शेड है उसको अपने इनर कॉर्नर्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ. मैं कोई हाइलाइटर यहाँ पे आज यूज़ नहीं की हूँ, उसी पैलेट से ही हम यूज़ किए हैं, वो भी वैसे ही सेम यूज़ किए. देन आई एम यूजिंग लैक्मी आईलाइनर इन द ब्लू शेड और इसको मैं अप्लाई कर दूँगी. थोड़ा थिक हो गया मेरा लाइनर, मैं थोड़ा पतला लगाने के लिए सोची थी पर ऐसा हो जाता है सबके साथ, पतला कर करके मोटा ही हो जाता है लाइनर. देन आई एम यूजिंग मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी अपने आई लैशेज पे. उसके बाद मैं फॉल्स लैशेज भी यूज़ करूंगी. देन आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड ब्राउ पैलेट, तो इसको मैं अपने आईब्रोज बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ. इसको अच्छे से मैं अपने आईब्रो को फिल कर दूंगी. पहले मेरे को आईब्रो अच्छे से बनाना नहीं आता था, अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ. फिर एक स्पूली के हेल्प से मैं उसको स्प्रेड कर दूंगी पूरे आईब्रो में. देन वी विल यूज़ फाउंडेशन, जिसके लिए मैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ, मेबेलिन का इन द शेड 228. पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको थोड़ा पानी में भिगो के मैं पूरा स्प्रेड करके लगा दूँगी अपने फेस पे, जैसे कहीं पे कुछ पैची पैची केकी केकी ना दिखाई दे.
तो अच्छे से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। कभी भी सूखा वाला ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ कीजिएगा, थोड़े इसको भिगो के यूज़ कीजिएगा, तभी जाके आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और आप अपने नेक में भी फाउंडेशन लगाने के लिए कभी मत भूलिएगा, नहीं तो फेस एक कलर और नेक एक कलर दिखाई देता है। देन आई एम यूजिंग दिस सुगर का बनाना पाउडर एज अ कॉम्पैक्ट ओनली आई एम यूजिंग इट। थोड़ा अपने मतलब आईज के नीचे लगा दूंगी, पूरे फेस में ही यूज़ कर रही हूँ। ये वाला पाउडर बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, बनाना पाउडर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला सुगर का पाउडर। उसको अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद मैं ये सुगर का ये वाला जो ब्रॉन्ज़र और इसमें ब्लश है और क्या है इसमें कॉन्टर है ये वाला पैलेट ले रही हूँ, उसको मैं अच्छे से अपने कॉन्टरिंग कर दूँगी। इसका जो शेड है थोड़ा लाइट है पर बहुत ही ज़्यादा मस्त है, नॉर्मल डेज के लिए तो इट्स ऑसम। और उसी में से वो जो ब्लश वाला शेड है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, पर इसका हाइलाइटर हम यूज़ नहीं किए हैं, सेम वो मेरी फ्रेंड भी यूज़ की है। देन मैं मास्टर क्रोम वाला हाइलाइटर लेके मेबेलिन का अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर है। थोड़ा सा लगा लो एंड देन आप पूरा चमकने लगते हो। मैं अपने मतलब गालों पे, देन थोड़े अपने नोज़ पे, अपर लिप्स पे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर। पहले ब्रश से मेरा मन नहीं भरा तो मैं अपना नॉर्मल जो ब्रश यूज़ करती हूँ उसी से की। देन आई एम हियर यूजिंग द लिपस्टिक वेट एंड वाइल्ड का गिव मी मोका शेड। हम दोनों बात करके सेम ही लिपस्टिक का शेड यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स माई अल्टीमेट फेवरेट न्यूड शेड, इट्स अ परफेक्ट न्यूड शेड। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Okay, so this was all about the makeup look. I hope you all have enjoyed the makeup look. अच्छा लगा होगा आपको। ऐसे ही बहुत सारा interesting makeup look लेके मैं आपके सामने आने वाली हूँ। एंड जिसको जिसके जो भी चीज़ के बारे में वीडियो देखना है ना, मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिए, मैं उसी रिलेटेड वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचा दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब जब न्यू वीडियो अपलोड कर सकूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।